बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आज मैं आपके साथ एक नई बात शेयर करने जा रहा हूँ कि हाँ, हमने इस सी पैक के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे हमने टेस्टेड करवाना है और कैसे इसको फिल आउट करना है, और ये सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और अपने टॉपिक की जानिब करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जॉब की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये आप देख सकते हैं कि ये शंघाई सी पैक बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो उसका ऑफिशियल फॉर्म जो है, जिस पर आपने सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, वो हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपने नंबर ऑफ पोस्ट, बैंक, ये सारा आपने यस नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद आपने कैपिटल वर्ड के अंदर अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कैंडिडेट अपने CNSE नंबर लिखना है। उसके बाद आपने टिक लगानी है कि जेंडर मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है आपने। और उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि एरियर्स की जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे अपने पोस्टल एड्रेस इसका लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है जो आपका चल रहा हो, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस या नो का जवाब देना है। और एज रिलैक्सेशन अगर आपकी बनती है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, हाउ हैज बीन डिसमिस्ड, और ये सारा अपने रिलीजन लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पंजाब के हो या इस्लामाबाद के, कोटा के अंदर जो होता है वो भी लिखना है, अपने डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी जो आपकी सिटी के साथ जिस जो सिटी नियरेस्ट सिटी ऑफ योर सिटी सो जो आपने सेलेक्ट करनी है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन। ये एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपने बड़ी केयरफुली रीड आउट करने के बाद जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स या जो आपकी अचीवमेंट होंगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक को देख लेते हैं। मैट्रिक के अंदर अपना आपने डिग्री लिखना है, डिग्री का टाइटल लिखना है, नंबर ऑफ ईयर पासिंग लिखनी है, ऑब्टेन नंबर क्या है, टोटल मार्क्स क्या थे और बोर्ड्स क्या कौन सा था, फैसलाबाद बोर्ड था, लाहौर बोर्ड था, सिंध था या फेडरल था, यानी सिंध सॉरी कह गया हूँ, या फैसलाबाद, लाहौर या फेडरल बोर्ड, यहाँ पर आपने ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने FSC के मतलब लिखना है, अगर आप FSC के की हुई है जो पोस्ट है उसके मतलब आपने लिखना है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इन रिलेवेंट फील्ड। अगर आपने पहले भी किसी जगह पर अप्लाई किया, जॉब कर रहे हैं, तो आपने अपनी फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट्स, यहाँ पे आई देते हैं ऑफ टू एयरबस एलियट टेस्ट, यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद डेट, थंबनेल, इंप्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर सारा लिखना है। और ये फॉर्म जो है वो आपने इनके ऑफिस जो कि शंघाई टेस्टिंग सर्विस का जो ऑफिस है CPAC बिल्स, वहाँ से आपने टेस्टेड करवा लेने हैं। ये HBL का चलान भी है, ये आप देख सकते हैं कि एलियट टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। जी आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।